लोग देख सकते हो, ये अमेजोन की तरफ से मेरे पास एक पार्सल आया है। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है इसका अंदर का प्रोडक्ट। पैकेजिंग देख सकते हो, ये कार्डबोर्ड के अंदर दिया है अमेजोन वालों ने। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके। देख सकते हो पैकेज के अंदर इनवॉइस भी है और कुछ नहीं है। देख सकते हो इसका एमआरपी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस प्रोडक्ट को मैंने 599 रुपीज में खरीदा हूँ। ये एक ट्रिमर है नोवा के तरफ से, आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे प्राइस भी मेंशन है, देख सकते हो। चलो इसको साइड में रखते हैं। ये है मेन बॉक्स, देख सकते हो नोवा ब्रांड प्रोफेशनल ट्रिमर, मॉडल नंबर देख सकते हो NHT1071। देख सकते हो यहाँ पे टाइटेनियम कोटेड ब्लेड्स है, देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी साइज करने के लिए सब कुछ दिया है, 2mm to 18mm। देख सकते हो चार्जिंग टाइम 8 आवर्स लिखा है, 2 ईयर्स गारंटी के साथ आता है ये प्रोडक्ट, 45 मिनट्स मैक्सिमम टाइम, ये रिचार्जेबल है। चलिए ये बैक साइड को देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे भी कुछ है, देख सकते हो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे फीचर्स मेंशन किया हुआ है, आप लोग पॉज करके ही पढ़ सकते हो क्या क्या है यहाँ पे। ये USB चार्जिंग के साथ आता है, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। कटिंग लेंथ कॉम्बो, ये हेयर को मेजरमेंट करने के लिए देख सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस भी मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो ईयर्स का ओरिजिनल MRP 1495 रुपीज। ये मेड इन का चाइना का है, देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे है, मॉडल नंबर कलर भी ब्रांड सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो काइंडली चार्ज इट फॉर 8 आवर्स बिफोर इनिशियल यूज। यहाँ पे वारंटी का सील है, इसको ब्रेक करते हैं। चलिए ये है मेन ट्रिमर, पैकेज के अंदर और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लीफलेट दिया है, देख सकते हो। ये है यूजर मैनुअल, आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हो क्या क्या है इसके अंदर। इस तरफ से भी देख सकते हो,
सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसको साइड में रखते हैं। ये है चार्जिंग केबल, देख सकते हो ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, ये देख भी सकते हो। चलिए इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे एक ऑयल भी दिया है, साइड में रखते हैं। ये है मेन ट्रिमर, इसके अंदर एक ब्रश भी दिया है साफ करने के लिए ब्लेड को, और कुछ नहीं है तो साइड में रखते हैं। ये है मेन ट्रिमर, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, ये देख सकते हो, देख सकते हो ये ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे एक एलईडी दिया है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे एक बटन है लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिखा है। इसको अनलॉक करके इसको साइड देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है 16, 14, 10, 12, 14, 16, 18, मैक्सिमम 18 तक है। इसको ओपन भी कर सकते हो, देख सकते हो। ये है मेन टाइटेनियम कोटेड प्लेट, हम लोग देख सकते हो, इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी दिया है, देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो ये चल रहा है, इसका साउंड भी मिनिमम है। यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का बटन है, नोवा की तरफ से यह एक सील दिया हुआ है। ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चलिए इसको देखते हैं चार्ज करके होता है कि नहीं। ये है मेरे पास EMI का पावर बैंक, देख सकते हो। यहाँ पे है माइक्रोवेव पोर्ट का अंदर, देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, इसका इंडिकेशन है ये। ओके दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके बारे में कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट करना, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। फिर आएंगे दूसरी वीडियो के साथ, टिल देन बाय।